इस वीडियो में आपको बताएंगे प्लानेट बाय एलएनटी फाइनेंस एप्लीकेशन के बारे में, किससे लोन कैसे लेना होता है, आप लोन अप्लाई करेंगे तो उसका क्या प्रोसेस होता है, इसका पूरा ए टू जेड सारी डिटेल बताएंगे इस वीडियो में। ओके, पहले इसकी हम डाउनलोड्स की अगर बात करें तो इसकी यहाँ पे 10 लाख प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। ओके, साइज़ की बात करें तो 38 MB का साइज़ और 4.4 स्टार की रेटिंग है और 38,000 रिव्यूज़ है, जिसमें समझ सकते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है वो ट्रस्टेड है क्योंकि इसकी रेटिंग 4.4 स्टार है। ओके, और रिव्यूज़ भी अच्छे खास हैं, 38,000 रिव्यूज़ बहुत होते हैं अपने आप में। ओके, तो इस एप्लीकेशन में हम आपको ए टू जेड बताएंगे कि आपको कि डाउनलोड जब करेंगे तो इंस्टॉल करेंगे तो पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले इसका पूरा प्रोसेस देख लेगा जो हम आपको करके दिखाएंगे, जिसमें हम ए टू जेड जो है सारी डिटेल बताएंगे कि क्या क्या करना होता है लोन लेने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सकते हैं सब कुछ। ओके, डाउनलोड करना चाहते एप्लीकेशन प्ले स्टोर से कर सकते हैं, वन एप्लीकेशन का लिंक जो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बाकी और भी जो पर्सनल लोन एप्लीकेशन होते हैं उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो वैसे जब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन का कुछ ऐसा इंटरफेस होगा और यहाँ पे आपसे बोला जाएगा परमिशंस के लिए, जिसको आपको यहाँ पे नीचे अलाउ कर देना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचेंगे, यहाँ पे जो ये परमिशंस है इन सबको अलाउ करना होगा, तो नीचे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज बोला गया इंग्लिश और यहाँ पे लोकेशन पूछी जा रही है, तो इसमें यहाँ पे आप जो है व्हाइल यूजिंग द ऐप कर दिएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचेंगे, यहाँ पे लोकेशन सॉरी यहाँ पे जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली इंग्लिश। ओके, और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे स्टेप शुरू हुआ है। सबसे पहला स्टेप है एंटर योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर है वो एंटर कर देना है और फिर उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया था, अब उस पर एक OTP आई है, वो OTP हमको यहाँ पे जो है फिल कर देनी है। OTP फिल करने के बाद हमको नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपसे बोला गया है एंटर योर 4-डिजिट पिन। 4-डिजिट पिन होती है यानी अब जो एप्लीकेशन कुछ एप्लीकेशन में होता है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, ट्रांजेक्शन करने से पहले कुछ भी ओपन कर देना है मांगी जाती है। जैसे आपके फ़ोन की सिक्योरिटी की एक पिन होती है, वैसे इस एप्लीकेशन को भी सिक्योर रखने के लिए इन्होंने कहा है कि एक पिन बनाई है। तो यहाँ पे आप जो है 4 डिजिट की कोई पिन बना लीजिएगा जिसको आपको एंटर करना होगा। कुछ भी आप बना सकते हैं, फ़ोन का लॉक चाहे यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी पिन एंटर कर सकते हैं, चूज़ कर लिएगा फिर उसको री एंटर कर दिएगा। 2 बार पिन को इंसर्ट करना है और याद रखना है कि आपकी यही पिन है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे जो है आपका सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है, अब यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचेंगे। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं बोला गया वेलकम बैक, एप्लीकेशन फिर से ओपन होगी और यहाँ पे आपसे बोला जाएगा प्लीज़ एंटर योर 4-डिजिट पिन टू लॉग इन, यानी जैसे आप फ़ोन अनलॉक करते हैं तो पिन मांगी जाती है, तो वैसे यहाँ पे आपसे हमेशा बोला जाएगा जब इस एप्लीकेशन को आप खोलेंगे कि यहाँ पे आप 4-डिजिट की जो पिन उसको इंसर्ट करिए। मान लीजिए अगर आप वो पिन भूल जाते हैं कभी तो यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं आप। ओके, और पिन इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है आपसे आपको फर्स्ट नेम आपका टाइप कर देना है, लास्ट नेम टाइप कर देना है। ओके, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है वो आपके पैन कार्ड पे जो हो वही एग्जैक्ट आपको जो है टाइप करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप करनी है वही जो आपके पैन कार्ड पे हो। ईमेल आईडी आपको कोई से भी दे देनी है और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस सेकंड इंटरफेस आया है। ओके, अब यहाँ पे आपको बता दें क्या करना होगा। तो जब एप्लीकेशन को आप स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप पे एक ऑप्शन दिखेगा ऑफर का, यहाँ पे जिससे बोला गया कि अवेल प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट पर्सनल लोन अप टू 7 लाख, यानी 7 लाख तक की आपको लोन मिल सकता है। ये लोन अमाउंट जो होता है वो बैंक में डिसबर्स होता है। ओके, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा बैनर आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ये हुआ कि 2-व्हीलर इंस्टेंट लोन, यानी आपको 2-व्हीलर कोई अगर लेना है बाइक स्कूटी कुछ भी तो उसके लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका लोन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे हम जो है अप्लाई नो के सेक्शन में आ गए। यहाँ पे 2 तरीके के लोन है, तो यहाँ पे हम इंस्टेंट पर्सनल लोन जो होता है इसको अप्लाई करके दिखा देते हैं कि इसको अपने बैंक में कैसे लेना होता है। ओके, लोन्स के सेक्शन में। नेक्स्ट, यहाँ पे उसके बाद लोडिंग होगी, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपसे देख सकते हैं बोला कि डिटेल फिल करने को। ओके, कह रहे प्लीज़ एंटर अ फ्यू डिटेल्स फॉर अ क्विक एलिजिबिलिटी चेक, यानी एलिजिबिलिटी जो है आपकी लोन की चेक होनी है तो उसके लिए आपको कुछ डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम टाइप कर देना है, लास्ट नेम टाइप कर देना है, डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देनी है। ये तीनों जो है एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जो आपके पैन कार्ड पर लिखी हो। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर दे देना है। नेक्स्ट, आप मोबाइल नंबर में बताना चाहेंगे कि मोबाइल नंबर वही देना है जिस पर OTP आ पाए। ओके,
क्योंकि रिचार्ज की ज़रूरत होती है। अगर कोई ऐसा मोबाइल नंबर है जिस पर OTP नहीं आ रही तो वो ना इंसर्ट करिएगा, कोई सही नंबर इंसर्ट करिएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको कोई दे देनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड दे देना है आपको उसी का, मतलब उस एरिया का जहाँ पे आप रहते हैं, जैसे जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड दे देना है, और आधार कार्ड तो मेंशन होता है। ओके, फिर उसके बाद जो है पैन कार्ड नंबर दे देना है। पैन कार्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से आपकी क्रेडिट जो है, जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है, सिविल स्कोर होती है, सारी चीज़ें चेक होती है। तो यहाँ पे एंटर योर पैन कार्ड नंबर में आपको पैन कार्ड नंबर इंसर्ट करना है बिल्कुल करेक्टली। ओके, और फिर यहाँ पे वैलिडेट पैन पे क्लिक कर देना है, जिससे ये डिटेल फेच हो जाएगी, आपका सिविल स्कोर, एक्सपीरियंस स्कोर सब चेक हो जाएगा। ओके, और उसके बाद नीचे जो देख सकते हैं ये सेक्शन है, बॉक्स बना हुआ है आई हेयर बाय का। ओके, आई हेयर बाय जो है उसमें बता रहे हैं L&T फाइनेंस को कि सारी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने सही दी है। ओके, और उसके बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम चेकिंग योर एलिजिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे बेसिक डिटेल आपने फिल कर दी, अब एलिजिबिलिटी चेक करनी है आपको, तो नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं आगे आपके सामने कि कितने का लोन मिल सकता है। यहाँ पे 90,000 तक की मैक्सिमम लोन मिल रहा है, और लोन की जो शुरुआत हुई है वो ये 50,000 से, यानी 50,000 से लेकर 90,000 के बीच में कुछ भी अमाउंट का हम लोन लेना चाहे ले सकते हैं। ओके, देख सकते हैं ये है 90,000। ओके, और टेन्योर आप देख सकते हैं यहाँ पे टेन्योर भी दिया गया है, 1 साल से लेके हम यहाँ पे 3 साल तक की लोन ले सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे ये 90,000 ये 36 महीना है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बन रहा है हमारा एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट जो है वो 20% बन रहा है। ब्रोकन पीरियड चार्ज जो है आपका वो बन रहा है 630। प्रोसेसिंग फीस है 900। टोटल लोन अमाउंट यानी 94,000 जो है आपका लोन अमाउंट है। बैंक अकाउंट में जो आपके आएंगे वो आएंगे 89,000। यानी इस एप्लीकेशन से आप अगर मान लीजिए जो 90,000 रुपये का हम लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 89,100 रुपीज़ मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे। ओके, तो ये सारी डिटेल से हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपसे बोला गया है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपको ई साइन करनी है। डिजी लॉकर से बहुत ईजी होता है, तो इसमें सिंपली आपको करना है ये जो आई ऑथराइज इस पर क्लिक कर देना है और रिडायरेक्ट टू डिजी लॉकर पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं डिजी लॉकर खुल गया, आपको आधार वेरीफाई करना होगा, बहुत ईजी होता है। इसमें आपको एंटर कर देना है अपने आधार कार्ड नंबर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड टाइप कर देना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कैप्चा कोड है, यही इंसर्ट करना है इस बॉक्स में। ओके, इस बॉक्स में जब आप कैप्चा कोड इंसर्ट कर देंगे, ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया है कि आपके जो आधार कार्ड नंबर है उस आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आई होगी, वो OTP इस बॉक्स में फिल कर देना है। ओके, OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओके, तुम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे देख सकते बोला जा रहा है कि आर यू आर प्रोवाइडिंग कंसेंट टू शेयर डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट टू बजाज विद बजाज डिजी लॉकर। ओके, तो यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक कर देना, जैसे आपके ये डॉक्यूमेंट चेक कर पाएंगे कि सही है कि नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी स्टेप पे। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज़ एंटर पैन, यहाँ पे आपको जो है पैन वेरीफाई करना है, तो पैन कार्ड नंबर जो है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है इस बॉक्स में, आपको दिखा देते हैं ये वाला। ओके, और फेच पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं आपको इतना काम कंप्लीट हो चुका है, अब आपको फिर से एक और बार नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनमें से आपको कोई सा डॉक्यूमेंट देना है, जैसे एलिजिबिलिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ओके, तो इसी डिटेल पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया है एड्रेस प्रूफ के बारे में, तो एड्रेस प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, पोस्टपेड मोबाइल पोस्टपेड बिल दे सकते हैं, और टैक्स रिसीप्ट दे सकते हैं, जॉब कार्ड दे सकते हैं, रेंट अग्रीमेंट दे सकते हैं, बैंक पासबुक दे सकते हैं। तो इनमें से 2 आसान चीज़ें होती हैं, वो होती है बैंक पासबुक जिससे आपका एड्रेस प्रूफ वेरीफाई हो जाता है, और दूसरी चीज़ होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमें से कुछ भी आप देना चाहे दे सकते हैं, जिससे आप कई लोग एड्रेस वेरीफाई कर लेंगे कि आप वहीं रहते हैं कि नहीं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। ओके, और यहाँ पे एड्रेस अपलोड करना है, एड्रेस में आधार कार्ड के पीछे एड्रेस लिखा होगा, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही एड्रेस आपको टाइप कर देना है, और यहाँ पे पिन कोड आपको टाइप कर देना है, अपने एरिया का, सिटी टाइप कर देनी है जहाँ पे आप रहते हैं, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जिस स्टेट के आप आएँ, एंड नेक्स्ट। इतना काम आपको कर लेना है और आगे स्टेप पे आप पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया है बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको वही बैंक अकाउंट ऐड करना है जिसमें आपको लोन के पैसे चाहिए। IFSC कोड टाइप कर देना है, तो स्टार्ट से बताते हैं। सबसे पहले आपको अपना IFSC कोड टाइप कर देना है उस बैंक का जिस बैंक में आप लोन लेना चाहते हैं, जैसे मेरा PNB का है तो PNB का हम IFSC कोड टाइप करेंगे, बैंक नेम सेलेक्ट कर लेंगे कि वो कौन सा बैंक है, वो PNB है, अकाउंट नंबर आपको टाइप कर देना और फिर से अकाउंट नंबर जो है री एंटर कर देना है। ओके, ये चारों डिटेल फिल कर देनी है आपको, ये यहाँ पे वही बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करनी है जिसमें आप लोन के पैसे चाहते हैं।
नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे ई साइन के लिए बोला गया है, तो इसके लिए आपको आई हेयर बाय पे क्लिक करना है, जिससे ओटीपी वेरिफिकेशन होता है और आपके ई साइन जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट ओके, इसके बाद यहाँ पे साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ थैंक यू ओके। अब यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे ये लास्ट स्टेप था, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे बोला भी गया है कि यू आर जस्ट वन स्टेप टू गेट अवे योर लोन डिस्पर्स्ड, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने डिसबर्स का ऑप्शन आएगा, जिस आप डिसबर्स पे क्लिक करेंगे तो अराउंड एक दो घंटे के अंदर जो लोन के पैसे हैं वो डिसबर्स हो जाएंगे, उससे जल्दी भी हो सकते हैं, वरना जो है अगर आप आधे घंटे में डिसबर्स ना हो तो आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट को कॉल कर सकते हैं, वरना जनरली एक दो घंटे के अंदर ही आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस है एप्लीकेशन से लोन लेने का। बाकी एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मेन चैनल को विजिट करके आप और वीडियोज़ देख सकते हैं लोन से रिलेटेड। ओके।